गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे, सामान्य ज्ञान सुबह 9 बजे, रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे, मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है, जिसके अंदर हम सभी कुछ देखते हैं जो कि आपके द हिंदू में आता है और किस तरीके से पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी अपन वही करने वाले हैं। सबसे पहले कल मैंने आपको एक लास्ट क्वेश्चन दिया था, उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब डेली अपन जो अपना डेली के जो क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को डिस्कस करेंगे लास्ट में। और जो कल का जो लास्ट क्वेश्चन था वो देख लेते हैं एक बार। काफी बच्चों ने सही आंसर करे हैं, इसके मेजरली 80% जो आंसर है वो बिल्कुल सही आए। तो आई एम वेरी ग्लैड कि आप सभी को काफी कुछ पता है करंट अफेयर के बारे में। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या था। ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन दिया था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2018 की, मैंने आपसे थीम पूछी थी। तो बिल्कुल बच्चों ने सही आंसर किया है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो जो कि आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, तो गाइज उम्मीद है आप इस तरीके से सही आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि अगर आप गलती यहां पे करते भी हैं तो एटलीस्ट एग्जाम में तो गलती ना करें। स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट सेशन। तो पहला कोट ऑफ द डे है, यू मे सी मी स्ट्रगल बट यू विल नेवर सी मी क्विट। तो देखिए गाइज, हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी हार नहीं माननी है। स्ट्रगल तो सबके जीवन में सबको करना ही पड़ता है, तो आप भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो हमेशा करते रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्विट करने वाले जो एटीट्यूड है ये कभी नहीं होना चाहिए। तो हमेशा ये सवाल अपने आप से पूछ के दूसरों का जवाब यही देना चाहिए कि यू विल सी मी स्ट्रगल बट यू विल नेवर सी मी क्विट, कि आप हमेशा मुझे स्ट्रगल करते हुए देखेंगे लेकिन कभी भी मुझे हार मानते हुए नहीं देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको इंप्लीमेंट जरूर करेंगे, और ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो डेफिनेटली आने वाले सालों के अंदर आप बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। चलते हैं कल के पेपर की तरफ। सैटरडे, कल संडे था गाइस, तो आपको पता है संडे और मंडे दो दिन का न्यूज़पेपर अपन एक साथ कवर अप करते हैं। तो सबसे पहले संडे के दो चार जो इंपॉर्टेंट न्यूज है पेपर में से वो कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे मंडे की तरफ। तो कल के न्यूज़पेपर में देखते हैं, कल के न्यूज़पेपर की बात करें तो सबसे पहले तो पूरा का पूरा जो मुद्दा था वो जेएनके के ऊपर था। तो आपको पता है कि अभी जेएनके में मर्डर हो गया था जो राइजिंग कश्मीर के न्यूज़पेपर के जो जर्नलिस्ट है उनका, तो ये वाली न्यूज उन्हीं को डोनेट करी गई है। इसके अलावा चाइना ने यूएसए के जो सामान जो कि चाइना में आने वाले हैं उनके ऊपर भी टैरिफ लगा दिया है। तो यूएसए ने तो लगा ही रखा है, तो ट्रेड वॉर, मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक ट्रेड वॉर है जो कि यूएसए चाइना और यूएसए इंडिया, इन तीनों देशों के बीच में हो रही है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे यूके ने जो अपने इंडियंस को लेके, इंडियन स्टूडेंट को लेके जो वीज़ा के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम थी जो इतनी आसानी से, वो उसको इजिली नॉर्म्स नहीं करे हैं। तो ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आसाम के अंदर बाढ़ आ रखी है, आप सभी को मालूम है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, तो ये वहाँ की एक वो है। इसके अलावा एक अच्छी न्यूज़ क्या है, ये वाली बड़ी अच्छी न्यूज़ है, तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप आज नहीं तो कल नहीं तो परसों हिमालय स्टेट में ज़रूर जाएंगे गाइस। तो प्रॉब्लम ये है कि एक युवराज प्रधान है जो कि जिन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था कि जितने भी हिमालयन स्टेट है जो हिमालय पे बने हुए हैं उनमें बहुत कचरा है जो कि टूरिस्ट लोग करते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे विनती है ये सभी कि आप आज कल या फ्यूचर में कभी भी अगर आप हिमालयन स्टेट में जाते हैं, माउंटेन में जाते हैं, तो कभी भी कचरा ना करें, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत मैटर करता है। हमारे यहाँ पे भी नहीं करना चाहिए, ऑब्वियस बात है, लेकिन अगर आप कहीं टूरिस्ट बन के जा रहे हैं तो स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए। आप देख सकते हैं दार्जिलिंग में कितना कचरा है जो कि टूरिस्ट करके गए हैं। तो 25 साल के मात्र और दो एनजीओ साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, एक तो है माउंटेन इनिशिएटिव इंटीग्रेटेड माउंटेन और एक है जीरो वेस्ट हिमालयाज। तो इन दोनों ने मिलकर काम किया, 15,000 लोग हैं जो कि 12 राज्यों के अंदर सारा का सारा जो कचरा है, इनफैक्ट माउंट एवरेस्ट तक का जो कचरा है उसको क्लियर कर रहे हैं। तो गाइस बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि जो अपने हिमालयन स्टेट्स हैं या फिर जो माउंट जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, एटलीस्ट उन पे तो स्पेशली ध्यान दिया जाए और वहाँ पे कभी भी इस तरीके का कचरा ना फैला जाए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि ये युवराज प्रधान और उनकी टीम कर रही है, और ये दार्जिलिंग के अंदर हो, आप देख सकते हैं दार्जिलिंग के अंदर इतना कचरा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक है जो कि वहाँ पर फेंकी गई है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी जो कि हमने कवर अप करी। अब चलते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो पेज नंबर 2 के ऊपर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये है कि तिहार के अंदर एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो की सेटअप करा जा रहा है। देखिए तिहार जेल के अंदर क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप किया जा रहा है। तो पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे रिसेंटली रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप किया गया है, और पहले गेस्ट कौन है, बाबा रामदेव जी हैं जो कि यहाँ पे पहले गेस्ट हैं इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरीके का सेटअप किया गया है। एक्चुअली देखिए, जो तिहार जेल की अगर मैं बात करूं तो तिहार जेल के अंदर जितने भी लोग आते हैं वहां पे,
ठीक है, तो वहां पे तिहार जेल का मोटिव होता है उनको सजा देना नहीं, उनको बदलना, कैदियों को बदलना उनका मोटिव है तिहार जेल का। तो वहां पे म्यूजिक थेरेपी दी जाती है, कई तरीके के ऐसी एक्टिविटीज करी जाती है जिससे वो सभी सही हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होगा ना 21 जून को, उस दिन यहाँ पे कार्यक्रम होगा, बाबा रामदेव जी जो कि स्टूडियो के अंदर आएंगे। तिहार जेल के बारे में थोड़ा बहुत और बात कर लेते हैं। तो देखिए, तिहार जेल जो दक्षिण एशिया में सबसे बड़े जेलों में से एक है पहली बात तो, और दिल्ली के अंदर 9 केंद्रीय जेल है, उन सबको मिला के बनाया गया है ये। और इसके अलावा यहाँ पे जो कैदी आते हैं, कैदियों की टोटल संख्या पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, 2012 तक 5000 लोगों की क्षमता थी यहाँ पे, लेकिन 10000 कैदी रह रहे थे, और उसको फिर बदल के थोड़ा सा कम किया गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी क्राउड की वजह से जो कि वहाँ पे हो रही थी। आपको याद होगा किरण बेदी जी एक बार DGP बनी थी, महानिरीक्षक बनी थी किरण वहाँ के तिहाड़ जेल के, और उन्होंने टोटली वहाँ पे बदलाव ला दिए थे क्योंकि उन्होंने वहाँ पे क्या करी थी कि एक मेडिटेशन टेक्निक होती विपसना, तो वहाँ पे उन्होंने वो इम्प्लीमेंट करवाई थी। तो विपसना ध्यान कार्यक्रम भी वहाँ पे शुरू में किया, और प्रारंभिक कक्षाएं वो जो गोयनका जी है वो उनके द्वारा वहाँ पे सिखाई गई थी, उससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है जो कि वहाँ पे देखने को मिले थे, बहुत बड़े चेंजेस थे जो कि उस जेल के अंदर जो विपसना मेडिटेशन है इससे देखने को मिले थे। ये विपसना मेडिटेशन वही मेडिटेशन है जो कि अन्ना हजारे, केजरीवाल जी, किरण बेदी जी सभी करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैं खुद भी इसका फॉलोअर हूँ, मैं खुद भी ये मेडिटेशन करता हूँ। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर या आपके लिए कोई लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही है, तो आप इस मेडिटेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप वो करेंगे, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसके बारे में, और बहुत ही बेहतरीन पर्सन है जो कि आपको ये बनाएगी आने वाले दिनों के अंदर। चलते हैं गाइज आगे की तरफ, पेज नंबर 11 की तरफ। पेज नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक ये अजम्पशन आइलैंड का मुद्दा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये अजम्पशन आइलैंड का मुद्दा क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि भारत ने प्रपोज किया था कि भारत डेवलपमेंट करेगा अजम्पशन आइलैंड का, जो कि सेशेल्स जो एक कंट्री है, सेशेल्स एक द्वीप है, उसके अंडर के अंदर आता है। ठीक है, उसके अंडर के अंदर आता है। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ था कि पिछले साल जो सेशेल्स के जो प्रेसिडेंट है डैनी फ्योर, वो हमारे इंडिया आए थे, तो उस टाइम पे इस चीज़ को लेके बातचीत की थी। ये देखिए, ये डैनी है, ये अपने पीएम मोदी जी है जिनके बीच में इस चीज़ को लेके बात हुई थी। तो जैसे कि इंडिया ने ईरान के अंदर चबहार पोर्ट बना रखा है, वैसे ही भारत चाह रहा था कि सेशेल्स के भी डेवलपमेंट के अंदर वहाँ पर काम करे। लेकिन ये है कि जो इंडिया ने जो प्रपोजल दिया था उसको रिजेक्ट कर दिया है इस आइलैंड कंट्री ने। ठीक है, तो उन्होंने ये जो एग्रीमेंट था उसको कैंसिल कर दिया है, तो भारत के लिए एक बड़ा सेटबैक है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में भारत किस तरीके से डिप्लोमेटिक चीज़ों को आगे ले जाके इस ये जो प्रपोजल था उसको एग्री करवाता है, तो वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन आप हमारे लिए ये जो कैंसिलेशन हुआ है इसी वजह से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अजम्पशन आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है, और जो सेशेल्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि देखिए श्रीलंका के जब जस्ट नीचे मालदीव्स है, मालदीव्स के जस्ट नीचे सेशेल्स है, और उसके जस्ट नीचे मॉरिशस है, और मॉरिशस के साइड में मदागास्कर है। तो ये पहली बात, तो ये जो चार पांच आइलैंड के जो देश है जो कि हमारे इंडियन ओशन के अंदर है, तो ये सब आपको इनका नाम पता होना चाहिए। दूसरा सेशेल्स की देखिए यहाँ पे है आपका अजम्पशन आइलैंड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो भारत क्या चाह रहा था कि अजम्पशन आइलैंड के अंदर क्या बना दे, एक एयर स्ट्रिप बना दे, डॉकिंग फैसिलिटी बना दे, ताकि कभी भी इन फ्यूचर में अगर किसी प्रकार से कोई वॉर या कुछ भी टाइप होता है तो भारत इसको काम में भी ले सके। ठीक है, तो ये MOU था जो कि यहाँ पे साइन करने की बातचीत करी गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी सेशेल्स की, तो सेशेल्स की जो कैपिटल है उसका नाम है विक्टोरिया, इसकी राजधानी का नाम है विक्टोरिया, और प्रेसिडेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया दिया डैनी है, और इसको जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो UK से ही मिली थी, यूनाइटेड किंगडम से इसको आज़ादी मिली थी 1976 के अंदर। तो ये सब भी आपको पता होने चाहिए। चलते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे एक और छोटी सी न्यूज़ थी इसी पेज के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे अभी अपने जो प्रेसिडेंट है वो गए हैं 3 देशों की यात्रा पे। ठीक है, तो लेफ्ट हो रहे 3-day 3-nation विजिट टू कहाँ कहाँ पे, एक तो गए हैं, जा रहे हैं ग्रीस की, एक जा रहे हैं सूरीनेम, और एक क्यूबा। तो सैटरडे को वो तीनों देशों की जो विजिट है उसके लिए निकले हैं। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है तीनों ही देश, तो आपको पता होना चाहिए ग्रीस तो कहाँ पर है, यूरोप के अंदर है, इसकी राजधानी है एथेंस, और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो है। इसके अलावा सूरीनेम की बात करें, ठीक है, तो
तो सूरीनेम का भी आपको पता होना चाहिए। ये मैं क्वेश्चन आपको मैंने पेपर में दिया है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये आपको खुद को पता करना है इसके बारे में। और मैं इसकी करेंसी फिर भी आपको बता देता हूँ, इसकी करेंसी है डॉलर, यहाँ पे डॉलर चलता है, ठीक है, सूरीनेमियन डॉलर करके। क्यूबा की बात करें तो हवाना, हवाना यहाँ की कैपिटल है और पीसो है जो कि यहाँ पे करेंसी पे चलता है। तो सूरीनेम की कैपिटल है जो कि मैंने आपसे आज एग्जाम आज के क्विज में पूछी है, तो वो आपको ही पता करनी है, ठीक है, तभी आप इसको लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे। चलते हैं आगे की तरफ। अब ये देखिए, जिन लोगों को क्यूबा और सूरीनेम के बारे में पता नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुयाना के पास में, फ्रेंच गुयाना के पास में ये कंट्री है सूरीनेम, क्यूबा यहाँ पर है, ठीक है, ये क्यूबा है और बाकी सारे देश आप देख ही सकते हैं, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है पूरी की पूरी, ग्वाटेमाला और निकारगोवा, कोस्टा रिका, पनामा, ये सारे के सारे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है। तो चलते हैं आगे की तरफ, उम्मीद है कि आप इसका मैप भी याद रख पाएंगे कहाँ पर है। अब स्पोर्ट्स पेज की तरफ चलते हैं, स्पोर्ट्स पेज से बात करें क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हाँ एक छोटी सी न्यूज़ थी, इस वाले पेज पे तो नहीं है, ठीक है, इस वाले पेज पे थी एक और, उसी पेज पे थी, एक थी क्लोरोफिल एफ के बारे में। देखिए एक्चुअली आपने क्लोरोफिल के बारे में तो सुना ही है, पढ़ा ही है, जो कि फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है, जो पेड़ों के लिए खाना बनाता है। अब एक्चुअली में आपने जब तक जो सुना है ना, वो क्लोरोफिल कौन सा वाला क्लोरोफिल था जो आपने सुना है, वो क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल था। अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुई है, उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल एफ के बारे में बताया गया है। अब सुन के बड़ा अजीब लगता है कि हमने तो सिर्फ और सिर्फ पहले क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा था, अब ये ए और एफ क्या है जो कि नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो गई है, पहले कम था क्या पढ़ने के लिए, जो नई चीज़ें और आ गई है। तो देखिए छोटी सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, आपको ध्यान रखना है एक दूसरे टाइप का क्लोरोफिल है जो कि इंफ्रारेड लाइट से क्या होता है, प्रोड्यूस होते के फोटोसिंथेसिस करता है। जैसे कि अगर मैं क्लोरोफिल ए की बात करूं तो इसमें तो आपके जो विजिबल रेड लाइट है जो कि सन से आती है, उसकी मदद से खाना बनाया जाता है पेड़ों के लिए, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी जगह पर इंफ्रारेड लाइट है, इंफ्रारेड है, तो क्या होगा, तो कौन सा होगा, क्लोरोफिल एफ है जो कि क्या करेगा, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, ठीक है, उनसे फोटोसिंथेसिस उनके अंदर करवाएगा। तो ये जो चीज़ है जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर और येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है यूएसए के अंदर, वहाँ पे देखी गई है, तो इसीलिए इसके ऊपर रिसर्च किया गया और पता किया गया कि क्लोरोफिल एक तो ए है जो कि नेचुरल है, और एक क्लोरोफिल एफ है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में इंफ्रारेड लाइट से उत्पन्न होता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेशन की तरफ। अगर मैं आज के न्यूज़पेपर की बात करूं, यानी कि अपने मंडे के न्यूज़पेपर की, तो यहां पे सबसे पहले तो सीज़ फायर को लेकर बातचीत करी गई है, जेएनके के मिलिटेंट ख़त्म करने को लेकर। इसके अलावा पीएम मोदी ने चार जो स्टेट है उनके जो सीएम आए हुए थे, जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और अभी कर्नाटका, ये सब चार राज्य के जो सीएम आए हुए थे यहाँ पे, तो उनको पीएम मोदी ने बोला है कि भाई साइमल्टेनियस पोल्स करवाते हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में, यानी कि एक साथ इलेक्शन करवाते हैं लोकसभा के और राज्य विधानसभा के, ताकि कहीं पर भी ये बार बार जो ये हर दो महीने में जो माहौल बनता है ना पूरे देश के अंदर पॉलिटिक्स का, बार बार रैलियाँ करने का, वो ख़त्म हो जाए एक बार में ही, या तो आप आ जाओ या हम आ जाएँ, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को लेकर बाकी पार्टियाँ इतनी ज़्यादा सहमत नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि भाई इससे ज़्यादा फ़ायदा अभी करंट गवर्नमेंट को होगा, लेकिन इससे हमारे देश के बड़ा बेनिफिट होगा अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन, एक साथ अगर पूरे के पूरे लोकसभा इलेक्शन हो जाए और विधानसभा भी हो जाए, तो पूरा का पूरा ये जो माहौल है वो एक ही बार में बन के ख़त्म हो जाए। इसके अलावा केजरीवाल जी ने अभी धरना दे रखा है, आपको पता होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर के ऊपर, एलजी के ऊपर, तो वहाँ पे उन्होंने ये बोल के धरना दिया था कि आईएएस ऑफिसर को काम नहीं करने दिया जा रहा है और वो स्ट्राइक के ऊपर है। लेकिन कल क्या हुआ कि आईएएस ऑफिसर ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दिया कि हमको स्ट्राइक के ऊपर नहीं है। तो इसके अलावा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ है वो है धनुष आर्टिलरी गन की, तो इसके फाइनल ट्रायल है वो पूरे हो गए हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए पहले आपने बोफोर्स के बारे में सुना होगा, जो कि काफ़ी फेमस भी हुआ था, बोफोर्स घोटाला भी हुआ था, ठीक है, तो बोफोर्स घोटाला जो हुआ था वो तो चलो घोटाला तो अलग बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बोफोर्स गन के बारे में। हमने इंडिया में क्या किया था, बोफोर्स बंदूकें हैं जो कि 1980s के टाइम पे खरीदी थी, कहाँ से, स्वीडिश से, स्वीडन से हमने इसको खरीदी थी, स्वीडिश गन्स हैं। तो इसका ही जो अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि हमने खुद ने इसको अपग्रेड किया है, उसका नाम है धनुष। तो इसका जो हमने ट्रायल है वो पूरा कर लिया है, अब ये रेडी हो चुकी है हमारी आर्मी के लिए, तो ये अच्छी बात है कि हमने ये खुद ने इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया है। तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार की एक गन है।
इंडिजिनियस फायर पावर, और यहाँ पे पूरा का पूरा इसको जो स्पेसिफिकेशन है ये भी दिया हुआ है। तो स्पेसिफिकेशन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन हमें बोफोर्स के बारे में पता होना चाहिए। एक 40 mm गन है जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए और इन सब के लिए 1930 से काम में ली जा रही है। इसको वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे बहुत काम में ली गई, और उसके बाद में दुनिया भर में इसको बेची भी गई। अभी भी गल्फ वॉर के टाइम जो कभी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे भी इसको काम में ली जाती है। तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है टेक्नोलॉजी, इसलिए भारत ने इसको क्या किया है, अपडेट किया है। चलते हैं आगे की तरफ, पेज नंबर 9 की तरफ। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपके डेटा पॉइंट की न्यूज़ है, जो कि हमेशा हम देखते ही हैं। डेटा पॉइंट में क्या है कि फीफा वर्ल्ड कप की बातचीत करी गई है कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी पॉपुलेशन इतनी कम है, उसके बाद में भी वो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाई कर चुका है। आपको पता है भारत इतना बड़ा देश है, 121 करोड़ लोग हैं 2011 के अकॉर्डिंगली, फिर भी हम फीफा के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत है लेकिन फुटबॉल में फिर भी वो पार्टिसिपेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख आबादी का एक देश है जिसको हम कहते हैं आइसलैंड, रोजाविक जिसकी कैपिटल है। और ठीक है, तो आइसलैंड देश ने क्या कर रखा है, क्वालिफाई कर रखा है 2018 के फीफा वर्ल्ड कप के अंदर। तो देखिए कितनी कम पॉपुलेशन, 3.5 लाख क्या होते हैं। मेरे ख्याल से दिल्ली की अगर मैं मुखर्जी नगर की बात करूं तो वहाँ पे इतने तो स्टूडेंट होंगे अपने वहाँ पे 3.5 लाख, तो इतना सा तो देखिए देश है, फिर भी फीफा वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाई कर चुका है। तो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर आइसलैंड है जैसे कि 3.4 लाख इसकी पॉपुलेशन है, और 3 लाख है जिसकी भी कोई ज़्यादा नहीं है, 13 लाख के आसपास है। कुवैत है, नॉर्दर्न आइलैंड है, तो ये सब बड़े छोटी कम पॉपुलेशन वाले कंट्रीज हैं लेकिन फिर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि लीस्ट पॉपुलस कंट्री कौन सा है। चलते हैं आगे की तरफ, पेज नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पे एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है ये वाली माइग्रेंट को लेकर। तो यहाँ पे अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आपको पता है कि अफ्रीका में काफ़ी प्रॉब्लम है पावर्टी की, एजुकेशन की, और काफ़ी दिक्कतें हैं, और काफ़ी टाइम से जो अफ्रीका के लोग हैं वो माइग्रेंट यानी कि अफ्रीका छोड़ के यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब काफ़ी टाइम तक तो यूरोप ने भी उनको एक्सेप्ट किया, लेकिन अभी रिसेंटली एक बोट था, एक्वेरियस उसका नाम था, ये देखिए ये नाम था उस बोट का। तो ये सब सहारन अफ्रीकन कंट्री से इटली की तरफ, माल्टा की तरफ गया था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि नियर बाय 600-650 लोग हैं जो कि इसके अंदर है, जिनको अभी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। लेकिन इटली ने और माल्टा ने इनको अपने पोर्ट से लौटा दिया, इन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ पे आपको अलाउ करेंगे नहीं। तो ये वहाँ से घूमने के बाद में स्पेन जो है उसने इनको शरण दी है। तो स्पेनिश पोर्ट है वैलेंसिया, तो वहाँ पे पहुँचा है, और स्पेन ने थोड़ा सा अपना काफ़ी एक अच्छा साइड दिखाया है। पेड्रो है जो कि वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने कहा है कि हम इनके लिए काम करेंगे, एक अलग सी जगह बनाएंगे जहाँ पे इनको पूरा का पूरा ह्यूमैनिटेरियन जो काम है वो हम इनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्वेरियस जो नाम है माइग्रेंट बोट का, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ के अंदर बन चुका है, क्योंकि इटली ने माल्टा ने इसको आने से मना कर दिया है। ठीक है, तो उस वजह से ये और भी ज़्यादा न्यूज़ में बन चुका है। चलते हैं आगे की तरफ, पेज नंबर 13 की तरफ। पेज नंबर 13 की बात करें, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एक्चुअली के अंदर आपके लिए 5G टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखिए यहाँ पे ये वाली न्यूज़ है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक्चुअली में हुआ क्या है कि अभी आपको पता है कि कुछ टाइम 1-2 साल पहले तो 3G पे हमारे मोबाइल फ़ोन चल रहे थे, बड़ी सोचना पड़ता था 10 बार कोई भी वीडियो देखने से पहले। अभी हम 4G पे आ चुके हैं और उसकी वजह से आप घर बैठे प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी टाइम पे द हिंदू पढ़ना बड़ा दुश्वार हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ एलाइट क्लास, जो एलाइट क्लास होती थी सिर्फ और सिर्फ वही लोग द हिंदू पढ़ते थे। ठीक है, या जिसके पास में जो अच्छी सिटीज़ में रहते हैं या फिर जिसके पास पैसे हैं। लेकिन जियो की मदद से मोबाइल, ये जो रिवोल्यूशन आया है 4G की टेक्नोलॉजी की मदद से, अब घर घर गाँव गाँव तक द हिंदू जो है वो इंटरनेट के माध्यम से, वाईफाई स्टडी के वीडियो के माध्यम से पहुँच रहा है, और आप एक अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हैं। तो अच्छी बात है टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होना। तो 5G एक कमिटी बनाई गई है, ठीक है, ताकि हम जब 4G से क्या स्विच कर सकें, 5G के ऊपर स्विच कर सकें। तो स्पेक्ट्रम आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि किसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो 6000 MHz स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर हम 5G सर्विसेज के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी जो हमारे इंटरनेट की जो स्पीड है ना, उससे 50% है ना तेज़ हो जाएगी, ठीक है, आने वाले 1 साल या 1.5 साल के अंदर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 5G की तरफ उसको स्विच करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
तो एक्सपर्ट मेंबर हैं पॉल राज जी, उन्होंने भी कहा है कि 50% जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी करंट लेवल से अगर हम 5G की तरफ क्या करते हैं अगर हम स्विच कर जाते हैं तो। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने ये स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है जो कि लिया है और आने वाले दिनों के अंदर आपको 6000 MHz स्पेक्ट्रम के अंदर ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। तो चलते हैं आगे की तरफ, ये जो न्यूज़ थी मैंने कवर अप कर दी है। तो गाइज ये सारी आज की आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ठीक है, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो इसके अलावा बाकी सब भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं, कई सारी जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी जो फ्रिक्वेंसीज है वो काम करती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मोबाइल फ़ोन जो सिग्नल्स हैं वो क्रिस्प में ट्रांसमिट किए जाते हैं 800 MHz से 2600 MHz बैंड के बीच में काम करते हैं। तो ये भी पेपर में कई बार पूछते हैं, ठीक है, कि आपके जो मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स हैं वो कौन से वाले मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के अंदर काम आते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 800 MHz से 2600 MHz है बैंड है जिसके बीच में मोबाइल फोन्स काम में करते हैं, ठीक है। और ये 4G 5G को अगर बात करें, ओके, तो ये किसके अंदर है, 6000 MHz के अंदर है। वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा होती है इनकी, पैसे जब इनकी ऑक्शन होता है तब भी अगर मैं बात करूँ 2500 MHz की बात करें तो इसकी जो वैल्यूएशन होते हैं वो 5 लाख करोड़ तक की है, जो कि ऑक्शन के अंदर 2016 के अंदर बेची गई थी। आपने पढ़ा होगा ना 3G 2G स्कैम और ये सब होता था, तो उसमें क्या हुआ था कि जो रिलायंस और जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको बड़े सस्ते के अंदर ये सब दे दिया था, ठीक है, बड़े सस्ते के अंदर ये सब प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2016 की बात करें तो 5 लाख करोड़ के अंदर ये सारे के सारे जो ऑक्शन है वो करे गए थे, जो कि आपको ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम कवर अप कर लेते हैं, हमेशा की तरह यही करने वाले हैं आपको, ठीक है। 10 क्वेश्चन है जो कि मैं दूंगा और आपको उसमें से 9 क्वेश्चन जो है वो आपको अभी पिक करने हैं और 1 क्वेश्चन होगा जो कि आपके होमवर्क का होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। देखते हैं गाइज, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट में अपन चेकआउट कर रहे हैं अपने 10 क्वेश्चन और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है कि द नेशनल ट्रिब्यूनल म्यूजियम और एक नेशनल लेवल ट्रिब्यूनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि कौन सी जगह पे सेटअप किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिब्यूनल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये तो है आपका पहला क्वेश्चन जो कि होमवर्क है, ठीक है। काफ़ी बच्चे इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे लेकिन मैं इसका आंसर बताऊंगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको खुद के लेवल के ऊपर पता करना है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको खुद के लेवल पे पता करना है कि नेशनल ट्रिब्यूनल म्यूजियम और नेशनल लेवल ट्रिबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपको बताना है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे किस दिन है ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ये काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर डेली लगाया है और इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड का आंसर क्या होगा, ठीक है, सेकंड वाले का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, उसका 15 जून इसका सही आंसर होगा। 15 जून है जो कि हम वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करते हैं। मैंने आपको पूरा डाटा पॉइंट में मैंने आपको बताया था इसके बारे में 1-2 दिन पहले, तो 15 जून इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सी जेल के अंदर रिसेंटली रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप किया गया है, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर करेंगे, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो कि लॉक करना है। यरवदा जेल है, जयपुर सेंट्रल जेल है, तिहाड़ जेल है। तो यहाँ पे बच्चों का आंसर जो आ रहा है वो तिहाड़ आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, तिहाड़ जेल इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला देखते हैं, अजम्पशन आइलैंड है वो कौन से देश का हिस्सा है ये आपको बताना है। अजम्पशन आइलैंड के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था और यहाँ पे जो बच्चे आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि सेशेल्स जो आपने आंसर दिया है बिल्कुल सही है, ये अजम्पशन आइलैंड जो है वो किसका है, सेशेल्स का हिस्सा है। चलते हैं आगे की तरफ, कैपिटल आपको सरीनेम की बतानी है, देखते हैं किन किन को पता है किन किन को। देखिए अगर ज़रूरी नहीं कि आपको आंसर पता होना चाहिए, अगर आप बाकी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी अगर आपको उसकी कैपिटल पता है देशों की और आपको अगर इसकी नहीं पता तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं। हवाना मैंने आपको बताई थी क्यूबा की है, एथेंस आपको पता है ग्रीस की है, विक्टोरिया भी मैंने आपको बताई थी,
थोड़ी देर पहले किसकी बताई थी, सेशल्स की बताई थी, तो आंसर बचा क्या आपका, सी तो बचा, तो आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, परामी रिबो, पराम, ठीक है, परामा रिबो है जो कि सेशल्स की राजधानी है, तो अगर आप एक एलिमिनेशन टेक्निक होती है उसको भी अपना के आंसर सही कर सकते हैं, तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं आगे की तरफ, क्लोरोफिल जो कि यूज करता है, मतलब कौन सी लाइट है जो कि यूज करता है इफिशियंट फोटोसिंथेसिस को लेकर, यहाँ पे क्लोरोफिल एफ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एफ आगे लिखा हुआ नहीं है, तो क्लोरोफिल एफ है जो कि आपको बताना है कि कौन सी लाइट यूज करके इफिशियंट फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, तो क्लोरोफिल एफ के बारे में मैंने आपको बताया था, तो क्लोरोफिल एफ कौन सी लाइट यूज करता है, वो इंफ्रारेड लाइट है, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी कि इंफ्रारेड लाइट यूज करके क्लोरोफिल एफ है जो कि इफिशियंट फोटोसिंथेसिस करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि धनुष आर्टिलरी जो बंदूक है वो किसका अपडेटेड वर्जन है, ये आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, तो धनुष आर्टिलरी गन के बारे में बताना है, मैंने आपको बताया था कि किसके अपडेटेड वर्जन है, तो बोफोर्स गन है जिसका अपडेटेड वर्जन क्या है, धनुष आर्टिलरी गन है, तो आंसर क्या होगा, बोफोर्स होगा, और जो कि स्वीडिश गन है, स्वीडन से हमने खरीदी थी, तो आंसर क्या है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं आगे की तरफ, अगला आपको आंसर देना है कि किस देश में, विच कंट्री इज द लीस्ट पॉपुलस कंट्री टू हैव एंटर्ड इनटू द फीफा वर्ल्ड कप, तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 के अंदर सबसे कम जो जनसंख्या वाला देश कौन सा है जिसने क्वालिफाई किया है, ये आपको बताना है, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आइसलैंड इसका बिल्कुल सही आंसर है, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ 3.4 लाख पॉपुलेशन है इस कंट्री की जिसने पार्टिसिपेट किया है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन बोट का नाम बताना है, एक माइग्रेंट बोट का, ठीक है, जिसको इटली और माल्टा ने अपने देश से में आने की एंट्री नहीं दी और जो कि कहाँ पे स्पेन की तरफ चले गई, तो उस माइग्रेंट बोट का नाम आपको ध्यान रखना है और इसका आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर आ रहा है, बच्चे ए इसका आंसर दे रहे हैं, और देखिए इसका आंसर बिल्कुल सही है, अगर आप इसका आंसर ए दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है, माइग्रेंट बोट जो कि इटली और माल्टा पहुंची थी लेकिन उसको लौटा दिया गया, उसका आंसर है एक्वेरियस, यानी कि ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पैनल ने आइडेंटिफाई किया है डैश, ठीक है, मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम फॉर 5G सर्विसेज, तो मेगाहर्ज यानी कि कौन सा फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है जो कि पता किया है 5G सर्विसेज के लिए, ये आपको बताना है, तो बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों ने पिछले वाले का, तो आपको बताना है कि कौन से पैनल ने जो आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम 5G सर्विसेज के लिए वो कौन सा करा है, ये आपको आंसर देना है, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों का, जिन लोगों ने सी आंसर दिया है वो इनका बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपके सामने थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले वाले का जो आंसर है वो आपको खुद को करना है क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ट्राइबल इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताना था कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो वो आपको कमेंट करके आंसर करना है, इसके अलावा सारे हमने कवर अप कर लिए, तो उम्मीद है गाइस इस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इस संडे को, यानी कि आने वाले संडे को आपके लिए एक रेलवे धमाका आने वाला है और एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो कि आपको मिलने वाला है, ये वो सरप्राइज नहीं है जो कि टेस्ट सीरीज को लेके था, आपके लिए कुछ नया और बहुत ही तगड़ा इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है वाईफाई स्टडी के द्वारा, जो कि आपको संडे को देखने को मिलेगा, तो गाइस जरूर इस चीज को बेनिफिट उठाइएगा, मतलब शायद ही भारत के इतिहास में इस तरीके का एक रेवोल्यूशन है जो कि किसी ने किया होगा जो कि संडे को आपको देखने को मिलेगा, तो उस दिन जरूर अवेलेबल रहिएगा, जितना हो सके शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें वीडियो को, और हमेशा अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करते रहें। सो गाइस थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम, थैंक यू।